अगस्त्या ने दिया पाखी को डिवोर्स, पाखी ने किया अगस्त्या के लिए अपने प्यार का इजहार, अगस्त्या ने किया पाखी को किस। फनाइश में मरजावा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अगस्त्या के लिए पाखी ने फाइनली कर दिया है अपने प्यार का इजहार। शुरू हुई है पाखी और अगस्त्या की लव स्टोरी। वेल, डिवोर्स पेपर पर साइन कर अगस्त्या ने छोड़ दिया था पाखी का साथ और आजाद कर दिया था उन्हें इस शादी के रिश्ते से। लेकिन अगस्त्या के प्यार का जादू आखिरकार चढ़ गया पाखी पर और डिवोर्स पेपर को फाड़ कर अगस्त्या से कर दिया ये ऐलान कि वो अब हमेशा के लिए फंस गए हैं और लगा लिया उन्हें गले। वहीं अगस्त्या ने भी कह दिया उन्हें आई लव यू। वहीं अब अगस्त्या भी पाखी से सुनना चाहते हैं आई लव यू। वहीं पाखी भी नहीं है कुछ कम। जैसे ही अगस्त्या ने किस करने की कोशिश, वैसे ही भाग गई पाखी और अगस्त्या को तंग करने चली गई अपने मायके भी। लेकिन अगस्त्या भी नहीं है कुछ कम, उन्होंने भी नहीं मारी हार और पहुंच गए पाखी के घर के आंगन में और टूटते तारे को देखकर दोनों ने मांगी विशेष। वहीं अगस्त्या ने किया पाखी के सामने ये विश कि वो आखिरकार कह दे उन्हें उनसे दिल की बात और वो 3 मैजिकल वर्ड्स। लेकिन उस वक्त ही उठ गई साली साहिबा और अगस्त्या को भगा दिया पाखी ने घर से बाहर। पर इनका रोमांस और प्यार के साथ ही साथ एक बार फिर हुआ पाखी का गृह प्रवेश। वहीं अगस्त्या और पाखी की प्यार भरी नोकझोंक भी हो गई है अब शुरू। लेकिन इनके प्यार को अब जल्द ही लगने वाली है किसी अनजान शख्स की नजर। वेल, स्टोरी में आने वाला है ट्विस्ट। वरब इस अनजान साय को देखकर तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर हुई है ईशान की अगस्त्या और पाखी की जिंदगी में एंट्री। लेकिन इस बार वो मचाएंगे अगस्त्या पाखी के जिंदगी में तबाही। मतलब देखना ये होगा क्या ईशान के आ जाने के बाद पाखी छोड़ देगी अगस्त्या के साथ, क्या ईशान करेंगे अगस्त्या और पाखी के लव स्टोरी को स्पॉइल। वेल, आखिरकार क्या कुछ होगा फनाइश में मरजावा के आने वाले एपिसोड में, ये तो देखना होगा। काफी ज्यादा दिलचस्प। आप कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।